और मैंने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है। और ये क्लासेस यूट्यूब पे हमारी ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्ट लाइव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स की जरूरत क्या है। तो डेटा टाइप्स की हमारी जरूरत क्या है, पहले इसकी चीज पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि वीवीए के अंदर में अगर किसी तरह की कैलकुलेशंस या किसी तरह के वैल्यू को होल्ड करना चाहे तो कहाँ होल्ड करेंगे आप। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट यहाँ दिया, अब मुझे अगर 10 प्लस 20 को, मुझे 10 प्लस 20 को होल्ड करवाना है इसके रिजल्ट को, कहाँ होल्ड करेंगे, क्योंकि ये तो कैलकुलेट हुआ ना, इसके रिजल्ट को स्टोर होने के लिए कोई ना कोई लोकेशन तो चाहिए। तो अगर आप वेरिएबल यूज ना करोगे तो कोई एक रेंज देना पड़ेगा आपको, A1 की वैल्यू इक्वल टू 10 प्लस 20, राइट सर। लेकिन अगर आप रेंज देते हो तो दिक्कत क्या होती है कि कैलकुलेशंस में थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसको हमेशा होल्ड रखना पड़ता है, राइट सर। तो इसके जगह पे हम एबीसीडी दे देते हैं। तो एबीसीडी क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स। इसका अगर डेफिनेशन कहें तो इसका डेफिनेशन होता है टेम्पररी सेविंग लोकेशन, टेम्पररी सेविंग लोकेशंस, राइट। तो इसके कास्ट होते हैं, जैसे डिम आ हमने यहां पे कर दिया ए एज ए इंटीजर। अब यहां पे इसको समझिए, डिम मतलब डायमेंशन, मतलब कि हार्ड डिस्क की किसी भी डायमेंशन में जाके ए नाम का एरिया क्रिएट करेगा जिसमें इंटीजर डेटा टाइप होंगे। हालांकि इससे पहले तो हमने डायरेक्ट दे दिया था, आपने इससे पहले भी 2-3 मैक्रो में देखा था, हमने कोई डिफाइन नहीं किया था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे ले लिया था। आप ऐसे भी बिना डिफाइन किए ले सकते हैं, ये डिफॉल्ट में वेरिएंट डेटा टाइप समझ लेता है, तो इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तो अब मैं एमएसजी बॉक्स में अगर ए को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि वो 30 दिखाया, 30.20 नहीं दिखाया, क्योंकि इंटीजर का जो कास्ट है वो डेटा इंटीजर में लेता है, इंट में लेता है, डेसिमल में नहीं लेता है। तो कन्वर्जेंस एक यहाँ पे नया मसला है कि अगर मैं यहाँ पे 50 यहाँ पे 55 कर देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा राउंड हो जाता है, 31 हो गया। यहाँ पे आपको राउंड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेता है। दूसरा है इजी टू यूज, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रोथ का हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि Q1 का सेल यहाँ है, Q2 का सेल यहाँ है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ चाहिए। इसके लिए मैं वीवीए के थ्रू कोई कोडिंग लिखना चाहता हूँ, तो चलिए बताता हूँ कैसे लिखेंगे। सब बाय क्लोथिंग क्लोथ R1 डैश होगा। अब यहां पे मैं देता हूं कि डिम Q1, Q2 एज ए लॉन्ग या इंटीजर, हम दे सकते हैं इंटीजर कर देता हूं फिलहाल। एक कास्ट अगर अगर आपके सेम कास्ट के है तो कॉमा करके आप अलग अलग डेटा टाइप एक ही साथ एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, बार बार डिम लिखने की जरूरत नहीं है। अलग डेटा टाइप है तो इसीलिए मैं यहाँ भी कॉमा लगाया कर सकता था, लेकिन इसको अलग लिखने में ही फायदा रहता है डबल, क्योंकि डेसिमल होगा परसेंटेज में। तो यहां पे मैं बोलता हूँ Q1 इक्वल टू रेंज A2 डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें इसको वैल्यू स्टोर तो लेना, पिकअप तो करना पड़ेगा ना। Q2 इक्वल टू रेंज B2 डॉट वैल्यू।
अब यहाँ पे करता हूँ ग्रोथ जी आर इक्वल टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, जो कि फॉर्मूला है हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपल। और फिर जहां ये तो रिजल्ट जो स्टोर कहाँ हुआ, जी आर पे हुआ, तो वापस मैं लिखूंगा सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू जी आर। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा रिजल्ट यहां पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्टर वन नौवा गलती हो गई सर, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है, सुनिए, हम अगर वेरिएबल डिफाइन ना करते तो हम इसको सिंपल एक लाइन में भी कोडिंग कर सकते थे, जीआर की जगह पे डायरेक्ट इसको डालते हैं और रेंज जहां पे क्वार्टर वन चाहिए वहां पे रेंज ए वन, और जहां पे क्वार्टर टू चाहिए वहां पे रेंज बी टू, ये भी लिख सकते थे। चलो एक छोटी कैलकुलेशन हो इसलिए आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख देंगे, बट जब बड़ी कैलकुलेशन होगी जैसे कि 5-7 स्टेप की कैलकुलेशन होगी वहां पे तो फिर ये रेंज देना बड़े मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, गलती होने के चांसेस होंगे। क्या आतीश जी, आतीश जी सही बोल रहा हूं मैं आपको? यस सर, यस सर। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि चलो ये रेंज से नहीं उठ के आ रहा है, किसी इनपुट बॉक्स से उठ के आ रहा है। हम चाहते हैं कि जब रन करें तो यूजर जो है इनपुट डाले, ठीक है। तो मुझे अभी क्या होगा कि अगर हम वेरिएबल ना डालेंगे तो जितना बार हमें इसकी जरूरत होगा उतना बार इनपुट बॉक्स पॉपअप आएगा, ठीक है। इसलिए वेरिएबल जरूरी है, मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन लंबी है तो वहां पे वेरिएबल इस्तेमाल करें। जैसे कि इफ कंडीशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कि एक मान लो कई सारे नेस्टेड इफ होता है, कई सारे कंडीशन मैच करने होते हैं, जैसे कि इंसेंटिव, तो वहां पे फायदा होता है। दूसरा फायदा यहाँ पे ये होता है कि होल्ड करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इनपुट बॉक्स से एक नंबर लिया, अब इस नंबर को मुझे मान लीजिए इस पे मैं 50 नंबर लिया तो इस 50 का मुझे 15-20 जगह यूज करना है, तो मैं बार बार इनपुट बॉक्स 15-20 बार इनपुट बॉक्स करूंगा तो यूजर को 15-20 बार डालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जगह पे होल्ड करा दिया और बाकी जगह पे इसको हमने यूज कर लिया, समझे अतीश जी? समझ में आया आपको वेरिएबल्स का इस्तेमाल? यस सर। तो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए अगर यूट्यूब पे सर्च करें, इस पे गूगल पे सर्च करें, किसी भी वीवीए प्रोग्रामिंग है तो 90% ऐसे वीवीए प्रोग्रामिंग है जहां पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है, समझे? ओके सर। आपको 10% ऐसे प्रोग्रामिंग मिलेगा जिसपे वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वेरिएबल्स तीन तरह के होते हैं, पहला होता है डेटा टाइप जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जाहिर जी आपके पास बुक तो होगा ना? जी सर। वीवीए का बुक होगा ना? हाँ सर, वो आपने पीडीएफ शेयर की थी। आतिश जी मैं बुक में आपको भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर। एक बुक है इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं भेज रहा हूँ, हार्ड कॉपी खरीद लीजिएगा अमेज़न पे या फिर इस पे फ्लिपकार्ट पे मिलता है। ओके, ठीक है। इस भी बुक के पेज नंबर 199 में आपको वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स भी मिलेगा। ओके सर। मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। सबसे पहला, सबसे छोटा होता है डिम बी एज ए बाइट, ओके ओके। होता है डिम आई एज इंटीजर, एक इंटीजर होता है। अब बी के जगह पे, आई के जगह पे आप अपनी सब कुछ भी ले सकते हो, मैं ऐसे दे रहा हूं।
वेयर एज ए प्लेन L as a long or dim DP as a dead string dim ये हमारे डेटा टाइप यूज होते हैं। और समझिए कि क्या होता है बाइट, इसमें आप जो है जीरो से 255 दे सकते हैं, नो नेगेटिव्स, नो डेसिमल, ठीक है, 55 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। दूसरा इंटीजर में आप -32,000 समथिंग से, मतलब कि आई इक्वल टू आप -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग तक डाल सकते हैं, बट नो डेसिमल, इसमें भी आपको डेसिमल नहीं हो लेगा। लॉन्ग है इसमें बीएल है, बीएल मतलब कि बुलियन जो होता है आपका, बुलियन में आपको ट्रू एंड फॉल्स ही एक्सेप्ट करता है। जहां पर ट्रू एंड फॉल्स का इनपुट चाहिए यूज करना है आपको तो बुलियन ले सकते हैं, ओके। उसके बाद अब यहां पे मुझे लॉन्ग, लॉन्ग में आप जो है एल इक्वल टू एक बड़ा अमाउंट दे सकते हैं इंटीजर से बड़ा, बट नो डेसिमल। डबल सबसे बड़ा होता है, इसमें आप डेसिमल्स भी डाल सकते हैं और लॉन्ग से भी बड़ी अमाउंट को होल्ड करता है। डीपी के ऊपर आप डेट और टाइम डाल सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे तो कन्वर्ट कर लेता है डेट को, टेक्स्ट फॉर्म में भी डालोगे तो कन्वर्ट कर लेगा। और स्ट्रिंग जो है इस पर किसी भी तरह का नॉन कैलकुलेटिव डेटा, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो, ये दोनों लिख सकते हैं। अब वेरिएंट ऑल राउंडर होता है। अब वी इक्वल टू मान लीजिए कि मैंने अगर 25 किया तो ये बाइट बन जाएगा, अगर मैंने ज्यादा नंबर दिया तो ये इंटीजर लॉन्ग बन जाएगा, डेसिमल दोनों डालूंगा, जो जैसा वैल्यू डालोगे उस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब मेरे पास ऑल राउंडर है, जब मेरे पास ऑलरेडी ऑल राउंडर है तो मैं इस तरह की चीजें क्यों दूं? इसका रीजन है स्पेस, कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस को कैप्चर करता है। तो बी एज ए बाइट मतलब कि 2 KB, ये आपका 4 KB, ये आपका भी 4 KB होता है, ये आपका 8 KB होता है, ये आपका डबल आपका 16 KB लेता है, डेट आपका आई थिंक 15-16 KB भी लेता है, इंटीजर टेक्स्ट जो है मिनिमम आपका 8 KB जैसे बाइट होता है, माफ कीजिएगा बाइट पे जाता है। वेरिएंट सबसे ज्यादा लेता है, ये 32 बाइट लेता है, सबसे हाइएस्ट, समझे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो 1500 GB का, मैंने 1.5 TB का हार्ड डिस्क है, 8 GB का रैम है, तो क्या फर्क पड़ता है? सॉरी सर, फर्क पड़ता है क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक लिमिट होता है, 255 KB से ऊपर का डेटा आप यहां स्टोर नहीं कर सकते एक के ऊपर। तो जब बड़े बड़े मैक्रो आप लिखोगे तो वहां पे इसका फैक्टर होगा, इसलिए वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। और कन्वर्जन भी प्रॉब्लम हमारा एक मेन है कि हम डेट डालेंगे तभी तो डेट में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग डालेंगे तभी तो इंटीजर बन जाएगा, हर पर वेरिएंट ले लेंगे तो फिर हमें कन्वर्ट तो नहीं होगा,
वेरिएंट हम वहां पे लेते हैं जहां पे अनिश्चित हो कि भाई वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जैसे वी लुकअप में लुकअप वैल्यू कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट नंबर डेट कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम वी लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। दूसरा हमारे पास होता है इसे, ये हमारा डेटा टाइप होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जिसके बारे में हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना होगा एक बुक। अभी अभी जो मैंने आपको बुक भेजा है उसके पेज नंबर 199 पे जाना है आपको, ठीक है? यस सर, यस सर। पेज नंबर 199 बुक का पेज नंबर पुराना ओल्ड वर्जन है इसमें, मतलब कि 2007 का ही फाइल है, बट 2013-16 का आप परचेज कर सकते हैं, बताया मैंने आपको। अगर पेज को भी इंटरनल पर खोलते हैं तो आप पीडीएफ में नहीं खोलते, 225 कर सकते हैं आप। ये आपका पेज नंबर है 199, ये आपका टेबल है। तो इससे पहले कि कुछ आर्टिकल को, पेजेस को आप पढ़ लीजिए जहां पे वेरिएबल डिफाइन करना सिखाया गया। यहाँ 197 से वेरिएबल स्टार्ट है, यहाँ से लेके आप जो है 205 तक, 207 तक जो है, इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह है, जो नया चैप्टर जब तक नहीं आता है तब तक आप इसको पढ़िए, ठीक है? ओके सर, को पढ़िए, फिर हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे कल।